डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स। हमारे घर को मेंस द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है। घर का वोल्टेज 220 वोल्ट्स है। घर के वायरिंग में रेड वायर पॉजिटिव का है, इसको लाइव वायर भी कहा जाता है। वायरिंग में ब्लैक वायर न्यूट्रल है। हमेशा घर का वायरिंग में दो अलग अलग सर्क्यूट्स होता है। पहला 15 एम्प्स करंट रेटिंग्स का है। ये एसी और गेजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है 5 एम्प्स करंट रेटिंग्स का। ये फैंस और बल्ब्स के लिए है। ग्रीन वायर यर्थिंग का है। मेटालिक बॉडी वाली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यर्थिंग होना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, फ्रिज एट्सेट्रा। यर्थिंग नहीं है तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज शॉर्ट सर्क्यूट को रोकता है। शॉर्ट सर्क्यूट में फ्यूज मेल्ट हो जाता है। ये मेल्टिंग जाउल हीटिंग के वजह से होता है। एक सिंगल सॉकेट में ज्यादा प्लग्स लगाने से ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्क्यूट भी हो सकता है। ये है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, आपके मित्रों के जरूर शेयर कीजिए, आपकी डाउट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।